What's up YouTube, this is Raj Kadam here and I'm back with another video. So if you're a true bodybuilding fan and अगर आपको पता है अभी bodybuilding related Mr. Olympia मतलब Olympia चालू है, अभी Olympia के competition चालू है and I just got done with my cardio session, 20 minutes jump rope किया and this is what I'm watching right now. So Olympia and here he comes, Chris Bumstead. So every time Chris Bumstead starts his YouTube video, his first line is "What's up YouTube?" So that was related to him. And congratulations to Chris Bumstead for winning third time Mr. Olympia, and he's my favorite athlete till now. At this time, मुझे classic physique बहुत अच्छी लगने लगी है because इसमें competition बहुत अच्छा है and the conditioning they bring that is in an another level. So वही and जिन्हें भी bodybuilding related पता नहीं है, so you might be getting bored, but just for your general knowledge, अब in men physique, Brandon won his third time Mr. Olympia. So now at this time, Chris Bumstead and Brandon Curry are three time Mr. Olympia in their categories, and अभी open bodybuilding में the only one who can win is Big Ramy. I think he will win this time, and जो second contender है he is giving tough time to Big Ramy. But वो दोनों भी athletes are not in good shape, मतलब वो थोड़े से off है, I think उनकी थोड़ी सी carb loading ज़्यादा हो रही है, and Big Ramy की starting में body एकदम condition में थी, बाद में watery होने चालू हुई. That's it. Just watching them winning their show, doing their work and getting motivated. I'm big fan of Chris Bumstead, so thank you for motivating me and keep hustling. He brought his all-time best physique till now. That's it. अभी cardio हुआ. Actually मैं cardio most of नहीं करता and करता हूँ तो running करता हूँ. आज मैंने jump rope I guess 6 to 7 months के बाद किया. I think it will be more like 1 year. एक साल के बाद किया रहेगा. Actually कल मैंने ज़्यादा carbs consume किए थे. मेरे mom ने डोसा किया था and I ate like a beast. उसे compensate करने के लिए today I'm going to consume less amount of carbs. Maybe fast a bit. So let's see what goes into my mind and how my physique looks right now, and I'm going to get shower now. Just came back and अभी mom को छोड़ने को गया था. mom को पुष्पावली जाना है and जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे mirror आने वाला है. जब भी घर आता हूँ तब ये ऐसा होता है. He's so awesome. एक बार क्या हुआ था कि मिरर में वो खुद को देख रहा था एंड खुद को ही भूखने लगा था. दैट वॉज न्यूट्रल. अब क्या होने वाला क्या पता जब यहाँ पे मिरर आ जाएगा. है ना प्रिंस. तो अभी मिरर लेने के लिए जा रहा हूँ मैं जो यहाँ पे लगने वाला है, और इसके ऑर्डर कल दी थी वो आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में, तो वो आज डिलीवर होगा मतलब आज लाने वाले हैं. सो लेट्स गो. एंड इसे पता चला है कि अब मैं जाने वाला हूँ बाहर, तो ये जाने नहीं देता, ऐसा खेलता है एंड परेशान करते हैं. मैंने बोला था कि मैं आज कार्ब्स बहुत कम कंज्यूम करने वाला हूँ, तो सुबह से मैंने कार्ब्स कंज्यूम ही नहीं किए. मैंने अराउंड ऑलमोस्ट सिर्फ 10 grams कार्ब्स खाए होंगे. आई एम हंग्री राइट नाउ, तो मैं अभी ये एप्पल खाने वाला हूँ जिससे कि थोड़ा सा भूख कम लगे एंड जाते जाते खाऊंगा. एक घंटा हुआ यहाँ पे आके एंड ये ऑर्डर हमारे रेडी नहीं थे और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सो आई एम सो फकिंग हंग्री. मतलब खाया है बट बहुत कम खाया है. आई एम सो फकिंग हंग्री. घर जाके पहले खाने वाला हूँ. वेटिंग 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 वेटिंग. अभी मिलेगी ग्लास एंड अभी पानी से ही काम चला रहा हूँ. तो दिस इज माय सेकंड बॉटल, 1 लीटर खत्म की और फिर दिस इज माय सेकंड. नाउ वी आर थिंकिंग कि अभी स्कूटी पे लेके जाए या फिर रिक्शा करें, बिकॉज उन्होंने तो स्कूटी पे लाया. अभी जस्ट रीच होम एंड पापा आने वाले मिरर लेके. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सो भुर्जी चपाती एंड मैं मोस्ट ऑफ यही खाता हूँ. मैं पूरे साल भुर्जी चपाती खाता हूँ. सो अगर आपको लाइक गेस करना हो तो यू कैन ईजिली गेस इट. एक मील तो यही होता है. बीइंग अ बॉडी बिल्डर एंड फिटनेस फ्रीक
ये करना पड़ता है, ईटिंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर। एंड चेहरे से आपको समझ रहा होगा कि आई एम टू मच टायर्ड। करना पड़ता है पैशन के लिए, एब्स दिखने चाहिए ना। एंड ये किसी के लिए नहीं है, ये मेरे खुद के लिए है। अब इसे खाऊंगा एंड खाने के बाद मिलते हैं जब पापा आएंगे। तो मेरा एक फ्रेंड आया था तो उससे मिला, एक्चुअली उसका फ्रेंड रहता मेरे पास तो मैंने उससे वो दिया। एंड अभी मिरर भी रखा है ऊपर, सो मिरर दिखा था, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा है मिरर। ये देखो प्रिंस, सो हियर इज द मिरर, जस्ट लुक एट इट, कितना बड़ा है। अभी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी एंड यू नो दैट आई हेट रेन, सो सी, बट पोस्ट रेन के बाद क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। सो लुक एट दिस वेदर। सो वही, एंड अभी मैंने लंच भी किया, पापा भी आए, सो आई एम फीलिंग गुड। आपको मिरर भी दिखाया, तो अभी थोड़ी देर एडिटिंग करने वाले। फाइनली आवर मिरर इज रेडी पूरा नीचे तक। एंड ये पसारा बिखरा पड़ा है यहाँ पे जो वहाँ पे रखा था, अब सब ये अच्छे से लगाने वाला हूँ मैं, जैसे कि पूरा हॉल अच्छा दिखेगा। यहाँ पे कवर्स भी लाने हैं। एंड अब मोस्ट ये देखो, ये खुद को भौंक रहा है। Just look at him. Now most of the content will be shot here in the mirror because ऐसे पीछे वाले कैमरे से अच्छा रिकॉर्ड होता है, क्वालिटी अच्छी होती है एंड माइक्रोफोन भी क्वालिटी अच्छी है। सो अब से ज़्यादा बात मैं ऐसे करने वाला हूँ यहाँ से, एंड आपको प्रिंस भी दिखेगा। एंड एक हैक बताऊँगा आपको, ये जो लिखा हुआ है ना, ये कैसे हटाना है। अगर आपने पानी से निकाला तो बहुत ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है, बट आई नो समथिंग जिससे बहुत जल्दी से निकलता है वो। प्रिंस को टट्टी आई थी इसलिए वो इतना ऐसा भौंक रहा था। अरे अरे ऐसे करता हूँ, हैप्पी है। जब जर्मन शेपर्ड्स हैप्पी होते तो ऐसे करते, ऐसे भागते यहाँ से। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in and... Sorry to pause right now, but जो अभी मैंने किया, like two peoples, मैं और मेरा friend deadlift कर रहे थे एक ही बार से, that is wrong. Please don't try this. इससे आपको injuries हो सकती है. Now let's continue this vlog. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Will you fucking fight back? Just came back from the gym and आज क्या हुआ
कि मैं टी बर रोज कर रहा था और मेरे फ्रेंड्स आए एंड दे वर लाइक रोनिकोल मंजेसे करोड़ो निकोल मंजेसे ही यूज टू लाइक ये कम ऑन बॉडी लाइट वेट बेबी. और तो उसके एक्टिंग कर रहा था मैं एंड देर वर दिस थ्री गाइज जो ऐसे हंस रहे थे कि आई वॉज नॉट डूइंग प्रॉपरली एंड मेकिंग नॉइज एंड ऑल. सो उसके बाद क्या मेरी बॉडी पूरी पम्प थी लाइक अब भी नहीं है बट तब भी पम्प थी. सो आई वॉज लुकिंग ह्यूज एंड जब मैंने मेरी हुडी निकाली पहले तो वो हंस रहे थे एंड जैसे मैंने हुडी निकाली दे वर लाइक स्टेयरिंग एट मी कि इसकी कितनी बॉडी अच्छी है एंड वो सब. एंड उसके बाद हुडी रखने के लिए मैं हमारे चेंजिंग रूम में गया तो वहाँ पे वो ऐसे तो वहाँ जाते हुए दे वर लुकिंग दिस साइड एंड स्टेयरिंग मी दिस साइड मतलब ऐसे तिरछी नज़र से देख रहे थे. इस इंसिडेंट से मुझे ये समझ में आया कि पहले मुझे कुछ तो बोलना पड़ता था मतलब मैं बोलता नहीं था बट मेरे मन में रहता था. बट जैसे मैंने हुडी निकाली माय बॉडी डिड द टॉकिंग एंड दैट फीलिंग वाज ग्रेट मैन लाइक ग्रेट. एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिल रहा है इस बॉडी से. खुद को डेवलप करो देयर एन नंबर्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स यू विल गोइंग टू गेट फ्रॉम इट मैन. हसल पेज ऑफ एंड प्रिंसेस से पूरा बीमार है तो वो उसका भी ख्याल रखना. होप्स वो जल्दी से ठीक हो जाए बिकॉज अगर बहुत दिनों तक बीमार रहा ना तो उसकी पूरी बॉडी उसकी तबीयत पूरी डाउन हो जाती. जस्ट लुक एट हिम उसका मतलब पूरा ऐसे शान शान बैठे है कुछ भी हरकत नहीं कर रहा. मैं तो पहले यहाँ से वहाँ भागता था. गेट विल सून प्रिंस. कौन एंड दिस ब्लॉग यार. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना कमेंट करना एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सो पीस.